नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार पर एक बड़ा खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है, जिसको लेकर पुलिस विभाग चौकस है। दरअसल दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार आतंकियों के मंसूबों का खुलासा होने के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक समेत अन्य स्थानों और भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाने का अंदेशा जताते हुए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने उत्तर बिहार के 13 जिलों को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा उत्तर बिहार में पड़ने वाले 2 रेल पुलिस जिला को भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। RPF की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद इन जिलों में खासी चौकसी बरती जा रही है। समस्तीपुर RPF के रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा इस संबंध में समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मधुबनी, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों के SSP और SP को पत्र लिखा गया है। इसमें दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों के ISI एजेंट होने की आशंका जताई गई है। गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में देश के विभिन्न जगहों पर पुल, पुलिया, रेलवे ट्रैक और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर RDX से धमाका कर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और जाल माल की बड़ी क्षति पहुंचाने की मंशा उजागर हुई है। इसे देखते हुए सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत है। रेल पुलिस और जिलों के SP से अपने स्तर पर विशेष निगरानी में सुरक्षा इंतजामों के लिए अधीनस्थ अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध RPF की ओर से किया गया है। आतंकी मंसूबे को लेकर दी गई हिदायत के बाद इन जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण पुल, पुलिया, रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी पुलिस गश्ती बढ़ा चुकी है और लगातार निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन जिलों में तो इसके लिए SP के स्तर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इन संदिग्धों में 2 पाकिस्तान में आतंकी हमले का प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। बताया जाता है कि भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इन आतंकियों का हैंडलर है। संदिग्धों से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके आधार पर देश में कई जगह सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां कार्रवाई में जुटी हैं। लेकिन इस बीच बिहार को भी अलर्ट कर दिया गया है और बिहार में भी जिन 13 जिलों का हमने आपको नाम बताया, वहां पर रेलवे ट्रैक से लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों पर चौकसी बरतने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार भी इस बार आतंकियों के टारगेट पर है और इसी टारगेट को देखते हुए पुलिस विभाग सतर्क मोड में है। रेलवे विभाग के द्वारा यह अनुरोध किया गया है और उसके बाद सभी जिलों के SP और SSP को पत्र लिखकर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले दिनों में क्या आतंकियों के मंसूबे कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बिहार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।